कोई तो कमी होती, कोई तो कमी होती अगर तुम न साथ होती। फूल मुरझाते आंखों में बरसात होती, कोई तो कमी होती। चांदनी रातों में चांद भी यूं न खो गया होता, भील की पलकों का काजल भी यूं न धुला धुला होता, कोई तो कमी होती। रिमझिम बादल भी यूं न कभी बरसा होता, तितलियों के पंख पर न जुगनों की कहानी होती, कोई तो कमी होती। गर तुम न तुम होती, मैं न मैं होता, न धड़कनों में अपने अपने चांद होते, कोई तो कमी होती। एक अनकही कहानी। मैं जब भी संवेदन भार से उसके कुछ और करीब जाने के लिए अपने कदम बढ़ाता हूं, तब एक बिल्ली की सधी उछाल की तरह अपने प्रेमी के साथ गुजारी चांद रातों की कहानी सुनाने लगती है, मानो मेरे बढ़ते हुए कदम रोकना चाह रही हो। तब मैं मेरी कविताओं की डायरी ताल के पानी पर तैरते चांद के प्रतिबिंब को निशाना बनाकर फेंक देता हूं। एक धीमी सी टुबक की आवाज होती है और कुछ नन्हे से पानी के बुलबुले सतह पर आकर बिखर जाते हैं। सतह पर तैरते चांद का प्रतिबिंब बिखर जाता है। मैं रुके हुए फैसले की तरह ताकता रह जाता हूं बिखरे चांद के प्रतिबिंब की ओर। जब आखिरी पानी का बुलबुला सतह पर आकर मिट जाता है, तब मैं अपने कदम मोड़ लेता हूं उस दिशा में जहां से मैं चला था। पेड़। बचपन में माँ की गोद में उन्नीदी आंखों से देखा था पेड़, हरी पत्तियों सा, कत्थे तने से उगा हुआ। आज लगता है शायद उसकी गोद में ही सोना पड़ेगा। दृश्य चेतना। आंखों की पुतलियां सिर्फ दृश्य को देखती है, पर दृष्टि दृश्य के परे। दृष्टि की यही प्रक्रिया रचनात्मकता कहलाती है। यही रचनात्मकता सृजन की सहोदर है, ठीक हीरे जड़ी अंगूठी की तरह। हीरे की अंगूठी तो उंगली में मढ़ी रहती है, पर पारदर्शी हीरे की रोशनी सौंदर्य बोध को फैलाती रहती है निरंतर दृष्टि के परे।